और अस्सलाम वालेकुम एमके खान, माफी चाहती राजा। सुबह से क्या कल दांत का डॉक्टर के पास गई थी, दांत का दर्द था तो गाल भी सूजन दिख रहा होगा। और माशाल्लाह क्रीम से तो देखो स्किन कितनी गोरी भी, अभी सोच रही किधर किधर क्रीम भी लगाऊं, वो भी सोच रही जरा क्या करूंगी। मेरे को थोड़ी ना खोल के बैठने का जो मैं क्रीम लगाते बैठूं। आदमी फेस चमका तो सब चमका है ना, दिखेगा तो बिकेगा ना, है क्या नहीं? तो रही बात बहन मेरी, तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं कुसुम बहन, और मेरे टॉपिक में आप लोग आओ, मैं जबरदस्ती का बॉस 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 तुम लोग ही निकाल रहे ले, मैं तो बोलती भी नहीं। हाँ काहे कि अभी बॉस का अभी बोलती थी जाने दो, मैं तुम लोग से कोई मेरा शिकायत नहीं है। और रही बात तो मैं कभी अपना दोनों का कभी हुआ भी नहीं है, तो मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ना तुमने मेरे से साथ कभी गलत बात की है, ना मैंने तुम्हारे साथ गलत बात की। पठान मेरे को इज्जत देती है, तुम लोग देखो किससे भी बात कर सकते हैं, तुम लोग को छूट है। आप लोग किसको भी बहन बनाओ किसको भाई बनाओ, मेरे को कोई इतराज नहीं। झूठ की बात क्या मतलब, तो तुम झूठ लेके किससे लड़ने गए थे क्या, बताओ ना तुम मेरे को, ये तो बताओ किससे लड़ने गए थे तुम झूठ लेके। नहीं फिर तुम झोलर बुड्ढे को तो सूरत में गए, इतना ये करे तो लड़के लोग चले गए थे। भाई तुम्हारे मेरा कोई मतलब ही नहीं है। अरे रिश्ता की पब्लिक ये लगाओ बुझाओ का काम करो मत, मेरे गांड में दम है लड़ने का तो लड़ेंगे। सामने वाले के पास उसके पास दम है, वो 1 रुपया लगा सकती तो 4 ना तो लगा सकती क्या ना, अगर वो अपने आप को वो समझती है 30 मार का तो लड़ेंगे वनुष्यो। बस कोई बीच में दखल मत दो, अपने अपने घर